और साउंड से ही ये पता चल रहा है कि ये कोबरा नहीं बल्कि रसल्स वाइपर है, जो कि भारत का सबसे खतरनाक सांप में से एक है। इसी से यह आवाज निकल रहा है और काट भी रहा है। दोस्तों ये तो रसल वाइपर है, ये कोई मामूली सांप नहीं बल्कि भारत का सबसे खतरनाक सांप में से एक है। हे गाइस, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं प्रकाश यादव सम्राट YouTube चैनल। तो दोस्तों अभी एक कॉल आया हुआ था और कॉल आने के बाद एक घर पे सांप का रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन सा सांप है, खतरा तो बना हुआ है, जितना सावधानी पूर्वक हो सके उसे यहाँ से रेस्क्यू करेंगे और दूर जंगल में रिलीज करेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। तो चलिए रेस्क्यू करते हैं पहले, फिर उसके बारे में जानकारी देंगे, फिर उसे जंगल में रिलीज करूंगा। चलिए दिखाइए। ले जो ले दोस्तों ये तो रसल वाइपर है, ये कोई मामूली सांप नहीं बल्कि भारत का सबसे खतरनाक सांप में से एक है। और देख सकते हैं इसके हिसिंग साउंड को देखकर आप, ये कॉल आया था तो मेरे को कोबरा बताया गया था, लेकिन बाहर निकल रहा नहीं है। बाहर निकल लो, पुलिस रोड पर, रोड पर निकल, चल आगे। दोस्तों देख सकते हैं ये सांप कैसे हिसिंग साउंड निकाल रहा है और साउंड से ही ये पता चल रहा है कि ये कोबरा नहीं बल्कि रसल्स वाइपर है, जो कि भारत का सबसे खतरनाक सांप में से एक है। लोगों के द्वारा सूचना दिया गया था कि कोबरा है, लेकिन कोबरा नहीं है, साउंड से ये पता चल रहा है। और इसके अंदर जो है लटपटाया हुआ था साए के अंदर। दोस्तों देख सकते हैं ये जो सांप आप, बहुत ही खतरनाक तरीके से दोस्तों ये काटता है और इसके ही काटने से इंसानों का मांस तक जो है वो गल जाता है। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से काटने का प्रयास कर रहा है, इसे जितने सावधानी पूर्वक हो सके इसे रेस्क्यू करना चाहिए। आवाज मत कीजिए ना। दोस्तों इस सांप में हाईली हीमोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है और इसके काटने के बाद इसका विष जो होता है वो इंसानों के सेल्स और टिश्यू को डैमेज करता है और हेमरेज की स्थिति ले आता है। दोस्तों देख सकते हैं इस सांप की खासियत यह है कि ये जो सांप है ये लगभग 30 से लेकर 110 बच्चे तक को जन्म दे सकती है, ये अंडे नहीं देती है। और दोस्तों सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो भी बच्चे को जन्म देती है उसमें से लगभग 30 से 40 बच्चे को ये सांप खुद ही खा जाती है। और दोस्तों देख सकते हैं इसमें बॉडी पैटर्न की अगर बात की जाए तो ऐसे ब्लैक ब्लैक धब्बा बना हुआ होता है, चांद चांद टाइप सा, इसलिए इसको चहरचंदा के नाम से भी जाना जाता है लोकल लैंग्वेज में, और चंद्रपोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, और मराठी में घोनस सांप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों विषैले सांप में इस सांप की जो दांत होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और नुकीली होती है, और जब भी ये काटता है तो दो सर्पदंश का निशान दिखाई देता है और निशान के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में सूजन आने लगता है और मांस तक गलने की संभावना रहती है। ज़्यादातर केसेस में जो है जिस जगह पे सांप काटता है वो स्थान जो है वो गल जाता है। और दोस्तों ये उछल कर काटने में काफ़ी माहिर है, ये कभी भी कहीं भी उछल जाता है, देख सकते हैं। और दोस्तों इसकी खास बात यह है कि ये जब भी कहीं किसी स्थान पे होगा अगर आप इसके करीब जाएंगे तो ये बहुत ही तेजी से साउंड निकालेगा और आपको अलर्ट कर देगा, इसके बावजूद अगर आप जाते हैं तो ये काट सकता है। और दोस्तों अगर स्थान की बात की जाए तो ये वैसे स्थान पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पर सूखे लकड़ी सूखे पत्ते की ढेर होती है, वहीं पर यह सांप जो है ज़्यादातर पाए जाते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। और रसल्स वाइपर इसे ही कहते हैं। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही एग्रेसिव है, गुस्से में है, काट भी सकता है, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, परेशान तो नहीं ही कर रहे हैं, बस इसके बारे में कुछ जानकारी दे रहे थे। चलिए इसे डब्बे में डालते हैं फिर जंगल में रिलीज करेंगे। डब्बा दीजिए और चॉकलेट वाला को। दोस्तों ऐसे सांप जहाँ कहीं भी दिखे आप दूरी बनाए रखें क्योंकि ऐसे सांप बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं।
दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि ये जो सांप है दोस्तों बहुत ही खतरनाक है, और जिस तरह से घर पे साये में लिपटाया हुआ था बहुत ज्यादा जो है खौफनाक मंजर था, क्योंकि पलक झपकते ही ये सांप बहुत ही तेजी से काट लेता है और काटते ही मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसके काटने के बाद इंसानों को बच पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे भी हमारे यहाँ से गांव से धनबाद जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो बहुत दूर है, लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है जाने में, और इसके काटने के बाद जो है लोगों का कंडीशन जो है बहुत जल्दी गड़बड़ा जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में लोग आ जाते हैं इसके काटने के बाद, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है इसका विष। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही तेजी से यह आवाज निकल रहा है और काट भी रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे काट भी दिया है, थोड़ा सा विष रिलीज कर दिया है। दोस्तों इसका दांत इतना नुकीला होता है कि अगर ये काटे तो इसके दांत जो है बाहर भी आ सकता है, बिल्कुल सुई की तरह दांत होता है, इसलिए इसको छेद करने का लाइए कुछ छेद करने का। दोस्तों अब इसमें जो है तुरंत छेद कर दे रहे हैं ताकि जो है सांस लेने में इसको कोई इसको परेशानी ना हो। तो गाइस देख सकते हैं अभी इसमें जो है पूरी तरह से कील से छेद कर दिया गया है, और सांस लेने में इसको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हो रहा है। और अब आप देखिएगा इसे दूर जंगल में रिलीज करेंगे तो वो आपको वीडियो में दिख ही जाएगा। तो चलिए इसी के साथ, अब तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, और यूट्यूब चैनल पर अगर इस वीडियो को देख रहे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बाकी इस सांप को यहाँ से बचाकर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, तो यहाँ के सभी लोगों को धन्यवाद जो इस जीव को बचाने का काम किया है। इस तरह के जीवों का रहना इस पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, जितना हम इंसानों का इस पृथ्वी में रहना आवश्यक है उतना इस तरह के जीवों का भी रहना आवश्यक है। तो खैर चलिए अभी देखिएगा इसे जंगल में रिलीज किया जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।